वाले हैं उसमें तो हम आसानी से कर देंगे, जो एडेड वाले हैं तो उनका भी प्रयास करूंगा। कौन से ग्राउंड? जीआईसी के लिए तो हो जाएगा, जीआईसी के लिए हो जाएगा। बाकी हमारे 39 एडेड विद्यालय भी हैं पूरे जनपद में। तो हाँ, मतलब उसमें जो वो रखा गया है, जो लाइट की इंटेंसिटी है, वो लेदर बॉल के हिसाब से ही प्लान किया गया है। आज रात में लग जाएगा तो हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि उसको और बढ़ाने या घटाने की जरूरत है। तो एक 10 पोल हैं, 10 पोल जब एक साथ जलेंगे तो उसी के हिसाब से वो जिन लोगों ने कई और अन्य जगहों पर प्रोफेशनल काम किए थे उन्हीं लोगों को बुलाया गया था कि इसको प्रॉपरली करना है। लाइट है 8 पोल है, 10 लाइट आएगी। 450 वाट्स की एक लाइट है, तो 450 × 80 4,500 एक में हो गया, गुने 8 और करेंगे तो करीब करीब 32-33,000 वॉटेज हो जाएगा। सब्सटेंशियल हो जाएगा वो। तो खैर वॉटेज में क्या गिनती करेंगे, जब जाएंगे खेलेंगे तभी पता चलेगा कि हो पाएगा कि नहीं। लेदर बॉल से ही मैचेस रात वालों की शुरुआत इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि लेदर बॉल अगर खेल लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें तो हो ही जाएंगी। हाँ, एक लाइट मतलब एक पोल पे लाइट या सिंगल 450 वोल्ट? ठीक बात है। तो उसमें हमारा ये भी था आशय कि वहाँ पे शाम के बाद आपके यहाँ ना बास्केटबॉल चल रहा है ना ही वॉलीबॉल चल रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें अब शाम के बाद भी कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। और हम लोग, मैं जिस कॉलेज में था या जहाँ भी था, तो हम तो ये देखते थे कि हमारा तो क्लासेस ही 5 बजे 5:30 बजे ख़त्म होते थे, ज़्यादातर तो स्पोर्ट्स रात का ही हो पाता। तो लेट नाइट हम लोग डिनर के टाइम तक 9 बजे तक, और कई लोग तो डिनर के बाद भी टेबल टेनिस वगैरह खेलते रहते थे वहाँ। आज सॉल्यूशन टेबल टेनिस कोर्ट है वहाँ पे, आपका टेबल टेनिस खेलने वाला व्यवस्था है, क्यों नहीं उसकी व्यवस्था कराते हैं? आज के डेट में नहीं है, टेबल टेनिस की व्यवस्था भी करा दी जाए वहाँ। जो आपके दो वो हैं जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर जो आपके डाइनिंग डॉर्मेटरी हॉल जो नीचे वाला है उसी को कन्वर्ट कर दीजिए टेबल टेनिस रूम्स में, तो आसानी से हो सकता है। और जी क्या वो जिम का क्या हुआ? जिम खत्म हो गया, ओपन जिम तो खराब हो ही जा रहा है। क्या क्लोज जिम यहाँ पे नहीं है? इंडोर जिम की क्या कंडीशन होती है? इक्विपमेंट्स खराब हो गए हमें, 7-8 साल 10 साल पुरानी बात है। तो उसमें डॉर्मेटरी वाले में ही क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं? बॉयज वाला जो हॉस्टल है हमारा, उसी के डॉर्मेटरी नीचे एक कमरे में जिम स्टैब्लिश करा दीजिए। तो फ्रेश इक्विपमेंट्स के लिए हमसे मांग कर लीजिए, हम करा देते हैं। जिम स्टैब्लिश करने के लिए हम आपको पैसे दे देते हैं, फॉर्म चले लीजिए, ठीक है। तो जिम स्टैब्लिशमेंट के लिए मिनिमल मतलब ये नहीं कि आप वो 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड कर लीजिएगा, मतलब जो मिनिमल में हो जाए 8-10 लाख रुपये तक, ठीक रहेगा। वो रेनोवेशन वाला तो आप लोगों ने प्रोजेक्ट भेज दिया है ना, तो आपकी सीढ़ियाँ जो टूटी हुई हैं उसकी स्वीकृति भी जल्दी ही आ जाएगी आपके लिए। तो लेयर्स का कर लिया, नीचे वाले जो कमरे होते हैं वो बेसिकली प्लेयर पवेलियन ही होते हैं। तो अभी जो आप लोगों ने भेजा है प्रस्ताव, तो ऊपर तो दर्शक दीर्घा है,
नीचे वाले कमरे भी हमारे दोबारा से बनेंगे डिमोलिशन के, तो उसी में प्लेयर्स पवेलियन भी कुछ ऐसे हो जो पूरा फ्रंट में ओपन वाले हों, ताकि जहाँ से मैचेस भी दिखते रहें और आगे भी कुछ कुर्सियाँ लगी रहें, उस तरह की व्यवस्था वाली हम लोग करानी होगी। तो उसके जो बेड्स की रिक्वायरमेंट है, हार करते हैं परमानेंट करा लीजिए, फोल्डेबल वाले जो होते हैं वो करा लीजिए, ताकि बाकी टाइम पे आप फोल्ड करके उसको स्टोर करके रख पाए। कितने की रिक्वायरमेंट होगी वो आप हमें एक टेंटेटिव दे दीजिए, हम CSR में किसी से अनुरोध कर लेंगे इसके साथ आपको जाना चाहिए। ठीक है, परमानेंट बेडिंग हम लोगों के पास हॉस्टल्स के लिए हो जाए। हर कम बराबर है, चला कहानी चला है सर बोल रहे हैं। एक बेड अगर फोल्डेबल होगा तब तो उसमें लॉकर नहीं हो सकता, मतलब बॉक्स वाला तो नहीं हम फिर बना सकते। इस बार मैं मेले के दौरान ये चीज़ सोच रहा था कि यूटिलिटी के इश्यूज है वहाँ पे, हम लोग यहाँ बना भी देंगे लेकिन वो यूज़ नहीं हो पाएगा जब तक। ठीक बात है, ठीक बात। कुछ चीज़ें आपको क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बताया जाएगा, बारहवीं क्रिकेट सर। बाराबंकी में आप प्रशासन वर्सेस पत्रकार के बीच में मैच हो रहा है और इसमें हमारी भी टीम खेलना चाह रही है, हम लोग की भी टीम है क्योंकि कुछ लोग सेलेक्टिव हैं जो खेलना चाह रहे हैं, और ऐसा किया जाए कि और भी लोग खेल सकें। इसलिए तो विवेकशील आप इस चीज़ को देख लीजिए कि जो टीम जो हम लोग की प्रशासन वाली भी बन रही है और जो मीडिया एलेवन भी है तो उसमें सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं हम लोग, अभी केवल शहर भर के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कह रहे थे, हर ब्लॉक में एक एक मिनी स्टेडियम जो है वो हमारा निर्माण हो रहा है, जो पुरानी बनी हुई है उसमें इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने एक के मरम्मत के लिए भेजा था तो उसकी धनराशि हम लोग को मिल रही है, मनरेगा से भी हम लोग और भी नए स्टेडियम बनवा ले रहे हैं ताकि वो भी हो जाए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि पाइका के जितने पुराने वाले बने हुए हैं उन सब के मरम्मत का हम एक साथ एस्टिमेट बनवा के उसको भिजवा रहे हैं। इस बारी के लिए उन्होंने कहा कि हम एक का पैसा देंगे लेकिन अगले साल के बजट में हम डेफिनेटली उसको इंक्लूड करा लेंगे और हमारे सारे के सारे जो है मरम्मत में चलेगा। लेकिन कोशिश ये हो रही है ना कि हर न्याय पंचायत स्तर पर कम से कम एक खेल मैदान हमारा ज़रूर हो जाए। आज की डेट में करीब करीब हमारे 150 खेल मैदान हैं, या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या कम्प्लीट हो गए हैं। तो ये CDO साहब जो है उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं,
मुझे जो आखिरी सूचना दी गई थी उसके हिसाब से करीब 38 खेल मैदान में है जो न्याय पंचायत स्तर के करीब कम्प्लीट हो गया है। तो उसके फोटोग्राफ्स वगैरह भी हम आप लोगों को शेयर करेंगे, उसके लोकेशन भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी जा पाए। अब 100% वही कराया है, जहाँ कहीं पे भी बेसिक की जो ब्लॉक लेवल की प्रतियोगिताएं होती हैं वो जो मनरेगा से भी हम लोग स्टेडियम करवा रहे हैं एकदम से कह रहा हूँ। और ये जितने भी स्टेडियम हैं हम लोग सभी को युवक मंगल दल जो हमारा ग्राम स्तर का होता है उसी को हैंडओवर कर रहे हैं, और उसको युवक मंगल दल को फुटबॉल रस्सी इस तरह के जो खेल के इक्विपमेंट्स होते हैं ये सब भी दिए गए हैं। तो वहाँ उसी की जिम्मेवारी होगी कि डेली वो उस खेल मैदान में कुछ ना कुछ खेल प्रतियोगिता भी ऑर्गेनाइज कराए। तो युवक मंगल दल के जो अध्यक्ष होंगे वो मंगल दल के अध्यक्ष ही उसके कस्टोडियन रहेंगे उसके लिए। हमारा तो मन टेनिस का ही था, आप लोग लेदर बॉल खेलने के बाहर रहेंगे पता चला है। हाँ लेदर खेलिए और क्या हिम्मत कीजिए। टेनिस बॉल से कर रहे टेनिस ही ठीक रहेगा, देख रहे हैं हिम्मत टेनिस पे ही आ रही है लोगों की तो टेनिस ही होगी। बोले तो लेदर है अंपायर में देखे हैं कि मीडिया 11 की तरफ से भी एक अंपायर है और एक प्रशासन 11 की तरफ से भी अंपायर न्यूट्रल अंपायर है। अच्छा वैसे सही है मंत्री जो है पीडब्ल्यूडी चंद्रिका प्रसाद जी आए थे, हमने उससे एक सवाल किया था तो उन्होंने कहा हम अनंत हटा देंगे, उन्होंने आदेश दिया हट भी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अब इधर हाल ही में कुछ लोग जो है वहां पर फिर ट्रक खड़ा करते हैं जिससे कि दिक्कत होती है। और एक सबसे बड़ी समस्या है कि मोहरे की धुलाई होती है जिससे जल दोहन भी होता है और वहां पर पूरा रोड क्षतिग्रस्त हो जाता है, ये समस्या है सर जी, बहुत ही आम समस्या है। कौन हैदरगढ़ रोड पे? जी हाँ हैदरगढ़ वही बाईपास के पास। समाधान क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? मोरम मंडी किधर की तरफ शिफ्ट किया है? इधर बाईपास तो हो जाए तो दिक्कत नहीं होगी, बाईपास तो हो जाए तो पहले वहाँ थी भी। पुराना बाईपास कहाँ पे? 200 मीटर आगे 30 मीटर आगे है थोड़ा। जहाँ पे हम लोग जहाँ ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्ट करने की बात हो रही थी उसी जगह की बात कर रहे हैं।
ट्रांसपोर्ट नगर वाले में हमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अभी ये आश्वासन दिया है कि अगर वहाँ शिफ्ट किया जाता है तो हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि ट्रकें वहीं जाएंगी, वहीं पर लोडिंग अनलोडिंग होगी। हमने जब एस्टिमेट बनवा रहा था मैं, तो हमें ये आप कई लोगों ने कहा कि साहब आप यहाँ बनवा तो देंगे, 5 करोड़ रुपये लगवा तो देंगे, लेकिन सारे लोग फिर भी आके लोडिंग अनलोडिंग शहर में ही करेंगे, वहाँ कोई जाएगा नहीं, तो ये एक समस्या हो सकती है। इसीलिए मैं उस प्रोजेक्ट को लेकर रुक गया था कि पता चले हम पूरा CC करवा दें पूरी सारी चीज़ों के, और वो कल की डेट में हमारे जाने के बाद फिर वो उसके फ़ोटो के साथ में आए कि 6 करोड़ रुपये का आलिशान ट्रांसपोर्ट नगर तो खाली पड़ा। इसीलिए मैं रुक गया था, लेकिन ये आप सही कह रहे हैं कि अगर वहाँ वो नहीं तो कम से कम मोरम मंडी, लेकिन वो सरकारी ज़मीन है उस पर शिफ्ट करेंगे तो फिर कल की डेट में कोई ना कोई समझा करके उस पर टिन शेड पहले लगाएगा, धीरे धीरे अन्य चीज़ें भी होने लगेंगी। विचार करते हैं कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करवाने के लिए, क्योंकि उस रोड पे एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, उधर की तरफ एक्सीडेंट्स बहुत आ गए। सर एक्सीडेंट की बात करें तो देवा रोड पे मेला पूरा चला गया है और ओवरब्रिज उतरते ही रेलवे क्रॉसिंग पटरी बिछी हुई है, वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, 2-3 गड्ढे हैं, वो कभी भी हादसा हो सकता है। दो चीज़ें बता रहे, तो ये पुलिस लाइन चौराहे वाली बात बता रहे, पुलिस लाइन चौराहे से लेके हमारे कलेक्ट्रेट तक जो पीछे का रास्ता पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है। तो अभी जो 15वें वित्त का पैसा नगर पालिका का, वो नगर पालिका की सड़क है, वो PWD की नहीं है, तो नगर पालिका की 15वें वित्त की किश्त जो है वो रुकी हुई थी, वहाँ पे कुछ जो कंप्लायंसेज मांगे गए थे, तो अभी वो पैसा हम लोग के पास आ गया है, तो सबसे पहला टेंडर जो लगाया गया उसी का लगाया गया ताकि वो काम हमारा कंप्लीट हो जाए। होपफुली मुझे बताया गया कि ठंड में कुहासा पड़ने से पहले उसको सही कर लिया जाएगा। दूसरा जो आप बता रहे हैं वो मैं भी जब भी देवा रोड जा रहा हूँ मुझे भी खटक रहा है, वो जो बीच का पैच जो रेलवे वालों के पास चला जाता है उसमें वो मरम्मत करने के लिए भी NOC के बिना नहीं करने देते हैं। उनका कहना होता है कि अगर आप करें तो रेल अगर वहाँ से गुजरती है तो उनकी पटरियाँ अगर डिस्टर्ब होंगी तो फिर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो वो हम लोगों को अलाउ नहीं करते हैं, और खुद उनको कहिए करने के लिए तो उसमें समय लग जाता है। तो हमने लेटर्स लिखे हैं, फिर से हम एक और लेटर लिखते हैं, एक बारी DRM सर से अनुरोध भी कर लेते हैं, बहुत एक्टिव है DRM जो अभी लखनऊ में है, तो होपफुली उनके संज्ञान में चली जाएगी बातें तो हो जाना चाहिए। केडी सिंह बाबू रोड कोतवाली के पीछे वाली रोड है वो तो सही है, अच्छा हाँ छाया से इधर घर जो है तो वो टूटी पड़ी है, हम चेक कर ले रहे हैं, वो भी मरम्मत वाले में जो नगर पालिका वाला अभी कराया है। देखिए मतलब सही बात यही है कि देखिए केवल एक माल गोदाम रोड हमने बनवाया तो उसी में हमारा बजट जो है वो 4 करोड़ के आसपास था, केवल एक सड़क की हम बात बता रहे हैं। माल गोदाम रोड की तरह हमारे पूरे शहर की सभी सड़कों को टोटल हमारे पास जो मरम्मत का बजट है वो उतना नहीं है कि हम सभी सड़कों को माल गोदाम रोड की क्वालिटी का जो है हम 12 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर तक हम करवा पाए। ठीक बात, तो अनिरुद्ध जी आपके टी शर्ट जो है उसका हम लोग इनॉग्रेशन कर ले सबसे अच्छा रहेगा, तो मीडिया 11 की अलग टी शर्ट बना है हम लोग, अलग टी शर्ट है, और जो प्रशासन 11 है उसका अलग है। जा रहे हैं।